मेरा भारत महान का ये पहला पोस्टर जिसका शुभारंभ माननीय मंत्री जी और सुपरस्टार पवन सिंह जी, अंजना सिंह जी, गरिमा सिंह जी, जोरदार तालियां बजाइए। मेरा भारत महान जिसके मुख्य कलाकार पवन सिंह जी साक्षात यहां पर उपस्थित हैं और माननीय मंत्री जी जगदीश नारायण राय जी सर सर मेरा भारत महान दीप प्रांजल फिल्म प्रोडक्शन का शुभारंभ और राम भाई फोटो 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 प्रोडक्शन की पहली फिल्म मेरा भारत महान जिसके मुख्य कलाकार प्यारे आदरणीय सुपरस्टार पवन सिंह जी जोरदार सामने जी भी बैठल वाली जा आप सब मीडिया से हमारे जितने भाई आए हैं
सबको मेरा प्रणाम, एक ताली बजा के आशीर्वाद। इस बैनर पे मुझे काम करने का मौका मिला और सबसे बड़ी सौभाग्य ये है, जिस फिल्म का नाम है मेरा भारत महान, ऐसे फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला, इससे बड़ी खुशी एक कलाकार के लिए कुछ हो ही सकती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा भारत महान फिल्म में काम करने का मुझे मौका मिला। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे देवेंद्र तिवारी जी, और इस फिल्म में हम लोग काम कर रहे हैं, मैं हूँ, मेरे बड़े भैया रवि किशन जी, अंजना जी, गरिमा जी, अवकाश जी, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मेरा भारत महान फिल्म में काम करने का हम लोगों को मौका मिला। थैंक यू, धन्यवाद। आदरणीय जी सुपरस्टार पवन सिंह जी, और अब मैं मुख्य अतिथि जी को बुलाऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आज श्री सत्यजीत राय सबके आशीर्वाद की जरूरत पहुंचे। हम ज्यादा कुछ ना कहे, कहें कहें टाइटल नहीं है, हम इतना ही कहा कि पिक्चर के टाइटल से सबके पता लग गया है कि हमारे पिक्चर के कहानी का है। पिक्चर का टाइटल है मेरा भारत महान, अब मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान रहेगा। देश के दुश्मन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान है, चाइना है, चाहे नेपाल है, देश में भी कतारों की कमी नहीं है। मैं उसी मुद्दे को लेकर के आया हूँ कि देश में भी बहुत कतार है, उनकी सफाई बहुत जरूरी है। इसी मुद्दे पे मैंने इस फिल्म को बनाने के प्रयास किया हूँ, बाकी आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट आशीर्वाद मिल जाए। थे जय हिंद, जय भारत। सुपरस्टार पवन सिंह जी, विपुल भैया आप भी आ जाए इस फ्रेम में, आप आ जाए ना, क्या बात है, विपुल जी भी आ जाए इस फ्रेम में, अंजना जी, गरिमा जी, सुंदर से फिल्म में आप लोगों की उपस्थिति फोटो को और भी खूबसूरत बना रही है। क्यों ये दोनों सिंह सर, जैसा बताया गया अभी फैमिले प्रोडक्शन के बैनर तले ये मेरा भारत महान फिल्म बन रहा है, तो मेरा विश्वास है और मेरी पूरी शुभकामना भी है, जैसा नाम है वैसा इसके अंदर हमको देखने का, यहाँ के दर्शकों को, भारत के लोगों को इस महानता का दिग्दर्शक हमारे निर्देशन होंगे जरूर दिखाएंगे। इसकी आज शुरुआत हो रही है, जौनपुर की धरती माँ शीतला के अंचल में हम लोग बैठे हुए हैं, बगल में जंदर में उसी का आश्रम है, इस राजे हिंद जौनपुर की धरती से अगर इसका शिलान्यास में शुभारम्भ हो रहा है, तो निश्चित रूप से मेरी शुभकामना है कि ये फिल्म आगे चल के देश विदेश में अपना स्थान प्राप्त करे, और इसके निर्माता निर्देशक सबका, इसके फाइनेंसर जो हम सबके पारिवारिक ही हैं, हम सबके परिवार के लोग हैं, सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए आए सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर पत्रकार बंधुओं का, आपने इस कार्यक्रम में आकर इसके प्रचार प्रसार में आपने पूरा सहयोग किया है, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को दोहरा देता हूँ। जय हिंद। दौर चल रहा हुआ, ऐसे दौर में हमारे प्रोड्यूसर विपुल राय जी और हमारे डायरेक्टर देवेंद्र तिवारी जी, मैडम मैडम सर, मेरा भारत महान जैसी फिल्म बना रहे हैं, ऐसे नौजवान को मेरा सलूट है, और प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि जिस किस तरह से हमारे पत्रकार साथियों ने अपना समय दिया, अपना कीमती समय दिया, और एक मेरा छोटा सा निवेदन है अपने साथियों से कि सलमान कोई गाड़ी खड़ी है, जैसे मंत्री जी की गाड़ी नहीं निकल पा रही है, यहाँ पर फाइनल फोटो शूट हो रही है।
मंच पे जे भी विराजमान मंच के सामने जे भी बैठल वाली जा आप सब मीडिया से हमारे जितने भाई आए हैं सबको मेरा प्रणाम। एक ताली बजा के आशीर्वाद दे। इस बैनर पे मुझे काम करने का मौका मिला और सबसे बड़ी सौभाग्य ये है जिस फिल्म का नाम है मेरा भारत महान, ऐसे फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला, इससे बड़ी खुशी एक कलाकार के लिए कुछ हो ही सकती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा भारत महान फिल्म में काम करने का मुझे मौका मिला। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे देवेंद्र तिवारी जी और इस फिल्म में हम लोग काम कर रहे हैं, मैं हूँ, मेरे बड़े भैया रवि किशन जी, अंजना जी, गरिमा जी, अवकाश जी, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मेरा भारत महान फिल्म में काम करने का हम लोगों को मौका मिला। थैंक यू, धन्यवाद। आदरणीय जी सुपरस्टार पवन सिंह जी और अब मुख्य अतिथि जी को बुलाऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आज श्री